हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डीके टेक्नो 52 यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है दोस्तों। आज का मेरा कंटेंट है, यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो पैसा अप्रूवल हो रहा है, पेमेंट अप्रूवल हो रहा है दोस्तों, तो किस तरह से आप अपना असेसमेंट आईडी डाल करके चेक करेंगे या बेनिफिशरी आधार नंबर कैसे आप चेक करेंगे कि आपके फॉर्म का क्या कंडीशन है, अप्रूवल हुआ है कि नहीं, आपका पेमेंट इशू किया गया है कि नहीं, या फिर FTO जनरेटेड हुआ है कि नहीं दोस्तों, केंद्र शासन से और राज्य शासन से आपका क्या कंडीशन है, तो सारा कुछ स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप नया फॉर्म भी अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से पात्र लोग हैं, क्या जाति होगा, कौन कौन इसको भर सकते हैं फॉर्म को, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें। चलिए हम वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चालू कर देता हूं दोस्तों। यहां देखिए मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है, तब तक मैं अपना डाटा ऑन कर लेता हूं दोस्तों। आपको यहां करना क्या है कि स्क्रीन पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दिए हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए जो पात्र लोग हैं, कौन कौन पात्र हैं, कुछ लोगों को पहले पात्रता में संशोधन किया गया है, जो मतलब कि प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज चौहान जी दोस्तों, वह मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पात्र और पात्र में कुछ संशोधन किया है, तो वीडियो के आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, कि बेघर जिनके पास घर नहीं है, जिन परिवार के घरों में शून्य या दो कमरे हैं, किसी कच्ची दीवार या कच्ची छत है, उनको यह एलिजिबल है। परिवार में जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क हो, वयस्क न हो, ठीक है दोस्तों, परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो, मतलब नितांत असहाय लोगों के लिए है दोस्तों, 1,30,000 रुपए पठार और पहाड़ी मतलब कठिन क्षेत्र वालों के लिए है, और जहाँ सस्ता सुविस्ता मतलब आराम समतल जमीन है वहाँ 1,20,000 रुपया है दोस्तों। उसके साथ साथ आप वीडियो में बने रहे और भी मैं जानकारी बताऊंगा आपको। आवास 1,20,000 और 1,30,000 के अलावा आपको गैस मिलेगी दोस्तों, जिसमें सब्सिडी भी मिलेगी, और आपको सोलर पैनल प्लांट भी मिलेगा, और इसके बाद आपका SBM मतलब कि वो जो शौचालय होता है उसका भी 12,000 रुपया मिलेगा दोस्तों। तो काफी कुछ अपडेट इस वीडियो में होने वाला है। तो और इसके बाद यहाँ देखिए कि और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य न हो, वह परिवार जिसमें लोग दिव्यांग हो मतलब अपाहिज हो, और आप समझ सकते हैं, और इसके बाद इसके अलावा ऐसा परिवार जो श्रम करके अपना पेट पालता हो, और यहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक परिवार। अब देखिए हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन जाति है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग OBC मुस्लिम अल्पसंख्यक विधवा विकलांग और वृद्ध भूमिहीन मजदूर, यह जाति हो गया दोस्तों। अब आपको यहाँ देखिए दोस्तों कि अब यहाँ जिसमें करेक्शन किए हैं उसकी बात मैं कर लेता हूँ दोस्तों। वीडियो को जरा सा भी आप स्किप करेंगे तो आप मतलब कि मेन पॉइंट को आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए जिस उम्मीदवार के पास एक मोटर चालित दो पहिया तीन पहिया चार पहिया और कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नाव हो, देखिए पहले क्या था कि दो पहिया से लेकर सभी पहिया वालों के लिए जिसके पास नाव मछली पकड़ने वाली नाव भी है वह इलिजिबल नहीं था, लेकिन अब इसको वह अपडेट कर दिए हैं, दो पहिया वाहन वाला भी पात्र होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जिसके पास मछली पकड़ने की नाव है वह मछुआरा भी पात्र होगा। तो इसमें करेक्शन किए हैं। इसके अलावा जो उम्मीदवार किसान क्रेडिट कार्ड के CC का लाभ ले रहे हैं और उनके क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 रुपए से अधिक है या उसे बराबर है, तो इसमें तो कोई अपडेट कोई संशोधन नहीं हुआ। कोई भी परिवार जिसमें कम से कम एक सदस्य है जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत है या प्रतिमाह 10,000 रुपए से अधिक कमाता है, देखिए दोस्तों जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वह तो पूर्ण रूप से अपात्र है, लेकिन जो अपना पेट पालन के लिए मात्र 10,000 रुपए की मजदूरी करते थे
तो उनको पात्र माना जाता था। लेकिन अब यहाँ क्या कर दिया गया है कि इसमें संशोधन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज चौहान जी इसको 10,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिए हैं। यदि आपका मंथली इनकम मासिक इनकम 15,000 रुपया है तो भी आप पात्र हैं प्रधानमंत्री योजना के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो आयकर पेशेवर या भुगतान करता है या रेफ्रिजरेटर लैंडलाइन फोन कनेक्शन का मालिक है, तो देखिए इसमें दोस्तों लैंडलाइन फोन अब तो खत्म ही हो गया है, मोबाइल सबके पास है, तो वह पात्र है। लेकिन वह आयकर दाता न हो, मतलब आईटीआर टैक्स इनकम से टैक्स न भरते हो दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि आवश्यक दस्तावेज क्या जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपको फॉर्म भरने के लिए एक आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड का उपयोग करने के लिए लाभार्थी की ओर से सहमति दस्तावेज, मतलब आपको फिंगरप्रिंट दे करके उसको ऑथेंटिकेट करना होगा, आपको आज्ञा देना होगा कि मेरे आधार कार्ड का यूज किया जाए। मनरेगा पंजीकृत लाभार्थी का जॉब कार्ड, यदि आपका मनरेगा में है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जल्दी सेंक्शन होगा और उसका जॉब कार्ड का नंबर लगेगा जिसे आपको अपलोड करना होगा। स्वच्छ भारत मिशन SBM, यदि आपका शौचालय इशू हो गया है तो उसका भी ट्रांजेक्शन ID आपको देना होगा। बैंक खाते का विवरण, देखिए दोस्तों आपको बैंक खाता होना चाहिए। और एक जरूरी चीज आपको ट्रिक पॉइंट वाला बात बता दूं, यदि आपके पास बैंक खाता है दोस्तों लेकिन उसमें आधार NPCI मतलब नेशनल पेमेंट सर्विस नहीं लागू है, DBT नहीं लागू है दोस्तों, तो आपका पेमेंट आएगा लेकिन वो होल्ड कर दिया जाएगा, बाद में वो रिटर्न हो जाएगा, फिर से आपको न्यू प्रोसेस करना होगा। तो यह तो हो गया क्राइटेरिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आप पहले हम यह बता देते हैं दोस्तों कि आपको चेक कैसे करना है, क्योंकि मेरा कंटेंट है कि अप्रूवल चालू हो गया है, तो चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, सर्वप्रथम आपको गूगल को खोल लेना है। यहाँ देखिए मैंने गूगल को खोल लिया है, क्रोम को खोल लेंगे, इंटरनेट को जो सर्च इंजन आप यूज करते होंगे, यहाँ आपको टाइप करना है PMAY.gov.in। PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप इस पे सर्च करेंगे दोस्तों, इसका साइट अभी बहुत ही स्लो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि आप बेनिफिशियरी स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल साइट पर नहीं जाना है, नीचे यहाँ देखिए सर्च बेनिफिशियरी है, मतलब सर्च के लिए लाभार्थी का चयन करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए इंटर आधार नंबर डाल करके शो पर आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटमेंट खुलेगा और वहाँ कुछ आप पर्सनल जानकारी इनपुट करके आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि आपका क्या हालत है आपके फॉर्म का। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इसको बैक कर लेना है। मान लीजिए असेसमेंट आईडी का स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं तो ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। यदि अब यहाँ भी देखिए दो विकल्प आ रहा है, यहाँ पे यदि आपको बाय असेसमेंट आईडी एंड बाय नेम फादर नेम एंड मोबाइल नंबर, यदि आपके पास असेसमेंट आईडी नहीं है दोस्तों तो आप बाय नेम फादर नेम एंड मोबाइल नंबर पर चेकआउट करेंगे दोस्तों। चेकिंग करके आप यहाँ से अपना फादर का नाम डालेंगे, अपना नाम डालेंगे बेनिफिशियरी का, इसके बाद एक मोबाइल नंबर आप जो ऐड किए होंगे उसको आप डालेंगे, उसपे आपका सारा फंक्शन आप खोलेंगे तो आ जाएगा। और इसके बाद यदि आपके पास असेसमेंट आईडी है तो अति उत्तम असेसमेंट आईडी पर चेक करेंगे, इसके बाद फॉर्म खुलेगा, आप अपना जनरल जानकारी फिल करके आप असेसमेंट आईडी को चेक कर सकते हैं कि अप्रूवल हुआ है, कितना पेमेंट आया है, क्या कंडीशन है, सारे स्टेटमेंट को आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि चलिए हम यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे दोस्तों। देखिए अभी यदि हम आपका मतलब कि झूठा वीडियो बना दें कि PMAY का ऑफिशियल साइट खुल रहा है दोस्तों, अभी उस साइट पे काफी अपडेट चल रहा है, अंडर मेंटेनेंस में सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसके आला अधिकारी उसको अपडेट कर रहे हैं, तो वह साइट अभी पूर्ण रूप से खुल नहीं रही है। अभी
मैंने खुद चेक किया था दोस्तों, जो कि काफी बग चल रहा है उसमें, बहुत ही स्लो स्लो होकर के चल रहा है। और इसके बाद वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई का भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन आता है, मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा दोस्तों। और ऑफलाइन में आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, देखिए जो आपके सेक्रेटरी होंगे और जो सचिव होंगे ग्राम प्रधान से फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप अपना जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यह सब डाल देंगे दोस्तों। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, एक फोटो लगेगा और इसके बाद सेक्रेटरी का दस्तखत होगा। सब कुछ करने के बाद आप अपने सचिव के पास उसको जमा कर दें या पंचायत भवन में जमा कर दें। और आप अपने घर कच्चे मकान का एक फोटो लेगा दोस्तों, और मतलब कि हो सकता है गवाही भी लगे, दो लोगों का विटनेस भी चाहिए। तो यह सब फॉर्म कंप्लीट करके आप अपने सचिव के यहाँ जमा कर दें, और सबका जब फॉर्म सेंक्शन होने लगेगा तो आपका भी फॉर्म मतलब सबमिट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इतनी जानकारी मैंने वीडियो में आपको दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड दोस्तों। और आपके मन में कोई यदि जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इनपुट करिएगा, उसका रिप्लाई हम अवश्य देंगे दोस्तों। तो आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि हमें हेल्प करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटे का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें। यदि यह जानकारी आप अपने दोस्त यार सगा संबंधी को भी देना चाहते हैं तो शेयर के बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।